आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले गो तस्करी में वांछित एक अभियुक्त जुल्फीकार को चिलुआताल थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। पिकअप चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त इरशाद अहमद को 48 घंटे के भीतर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिकअप व गत्ता किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, अंत्योदय कार्ड धारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित लाभार्थियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। पिता के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त धनंजय चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ट्रॉली किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों के द्वारा दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं रोशन। पल्स पोलियो अभियान का सीडीओ संजय कुमार मीणा एवं एडी हेल्थ डॉक्टर आईबी विश्वकर्मा ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को अवश्य पिलाए पोलियो की दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, जितनी भी बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए प्रतिबद्ध है देश व प्रदेश की सरकार। जिला अस्पताल में स्थापित कोल्ड चेन प्वाइंट का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। कहा, दवाओं और वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कोल्ड चेन प्वाइंट। से 20 सितंबर तक होने वाले प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्व महापौर सत्या पांडे ने किया शुभारंभ। कहा, नारी शक्ति बढ़े आगे, सफलता है आपके साथ। और जनपद में पुत्रों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा विधि विधान से जीतिया का निर्जल व्रत। बरियार का पूजा करके माताओं ने अपने पुत्रों के लंबी उम्र की कामना।